वी आर गोइंग टू चिकमगलूर विद आवर फर्स्ट कार ड्राइव विद आवर न्यू कार टाटा हैरियर एंड वी हैव प्लान्ड अ शॉर्ट ट्रैक एंड देन सम जॉगिंग एक्टिविटी सम रनिंग एंड एवरीथिंग विल डू सम प्लेइंग बट विल सी हाउ मेनी वी आर एक्चुअली एबल टू अचीव बट यू आर गोना सी अ लॉट मेनी थिंग्स हियर और ये हमारा रास्ते में खाने का इंतजाम भी हो गया है सारा सामान पैक हो गया अब अपना तीन बैग रेडी हुए हैं There were some minor additions to the stuff that we had packed last night. Minor only, as you can see. Yeah, so now we are not gonna add anything more. That's it. तो सुबह के 7 बज रहे हैं अभी आधा घंटा तो हो गया हमें निकले हुए ट्रैफिक ऑलमोस्ट सारा हमने पार कर लिया है अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे तो एक हमें एक अच्छी लोकेशन मिल गई है यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि जो हम चाय नाश्ता लेके जा रहे थे वो कर लेते हैं कितना 1:30 बज गया सही टाइम पे पहुंच गए हैं और ये होम स्टे की लोकेशन भी काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है मतलब ऐसा है कि मेन रोड पर भी नहीं है लेकिन पूरा प्रॉपरली रूट जाता है और काफ़ी पीसफुल है कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इधर और ये होम स्टे का एंट्रेंस तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है बहुत अच्छा व्यू है इसलिए मुझे लगा थोड़ा मैं पहले से ही उतर के इसका हैरियर का थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँगी जो ग्रीन और ये डार्क का जो कॉम्बो है काफ़ी सही लग रहा है मतलब बहुत अच्छी फील आ रही है उसको देख के तो मैं भी थोड़ा मुझे लगा दुल्हन की तरह इसका स्वागत हो जाए अच्छे से यहाँ पर मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है बाहर से तो अच्छा लग रहा है यार ये बहुत अंदर से देखते हैं ये हमारा रूम होगा ये कॉमन एरिया है यहाँ पे एक और रूम है और दिस वन इज आवर्स अभी थोड़ा गंदा हो रखा है काफ़ी बेसिक है व्यू बहुत सही है बट यहाँ पे बाथरूम इज ऑल्सो क्लीन एंड स्पेशियस बट अगेन बेसिक तो ये एक और ऑप्शन है इस होम स्टे में तो जैसे अगर आप बहुत बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हैं 8 से 10 लोग तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं इसमें 2 रूम्स हैं अटैच्ड उनके 2 बाथरूम्स हैं तो ये बाहर का व्यू है एक रूम से हर एक रूम में एक डबल बेड 2 सिंगल बेड है ये दूसरा रूम इसमें भी सेम हाँ बाहर का व्यू हाँ जाके देख लेते हैं आई थिंक सेम ही है वो भी हाँ सेम ही है ये बाथरूम है दोनों के अलग अलग हैं ये अंकल का घर है अंकल आंटी उनके पेरेंट्स वगैरह सब यहीं रहते हैं उनके बच्चे और तो वो एक्चुअली डाइनिंग एरिया भी इन्होंने अपने घर का पार्टी बना रखा है तो ये लोग भी नहीं खाते और मतलब सेम फूड ही खाते हैं और गेस्ट को भी वही खिलाते हैं उसमें यार एक चीज़ जो हमें यहाँ की बहुत ही अच्छी लगी ना वो यहाँ का खाना है ये लोग घर पर ही बना रहे हैं पूरा वेज नॉन वेज दोनों रहता है और दोनों ही बहुत बढ़िया है एकदम तो हर दिन हमें बहुत ही बढ़िया खाना मिला ये जस्ट रूम्स के बाहर का नज़ारा है आप लोग ये पक्षियों की आवाज़ सुनिए हमारी आवाज़ सुन के क्या ही करेंगे आप लोग एंड स्टार्टेड रेनिंग चलो यार थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं आसपास होम स्टे का एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा था तो
देखते आते हैं क्या है इधर, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, नेचर वॉक टाइप। चलो 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 चलो, मैं पता तो नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। अंकल ने बोला था कि बस घूम लाना, पूरा उन्हीं का ही है एरिया। You got the route? Yeah. चलो क्या आवाज आ रही है, इतना तेज कहाँ से आ रही है? ये वो बंदर है जो थोड़े इंसानों में ज्यादा बदल गए, बहुत आवाज कर रहे हैं। इनका एवोल्यूशन ज्यादा हो गया, तेरे पे गए हैं। थोड़ा सा स्लिपरी है, स्लिपरी है काफी। हाँ, जूते भी तो स्पोर्ट्स शूज पहन के हैं ना, अच्छे खासे पड़े हैं ट्रैकिंग बैग, ट्रैकिंग वाले शूज। हमें लगा ये लोग छोटा सा एक नेचर वॉक जो नॉर्मली होता है, बट ये तो काफ़ी अच्छा वॉक हो गया हमारा। चलो भाई, ये है स्टीप, कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा बट एक्चुअल में ये स्टीप है। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले अंकल हमें अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे कि कैसे वो यहाँ पर आए से, एंड लुक्स लाइक ये 1988 से अंकल यहीं पर रह रहा। ये जो पूरा जो एरिया है अंकल का, मतलब पुश्तैनी कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो वो अभी इसको चला रहे हैं। एंड ये हमारी नेचर वॉक तो बहुत अच्छी हो रही है, इसका पूरा रास्ता ऐसे ही जा रहा है। ये नहीं कटेगा, चलो तेल है। मैं कब पूछ कहाँ से आ गई थे, थोड़ी सी हमारी हाइकिंग हो जाएगी इधर क्योंकि काफी थोड़ा स्टीप एरिया है, और यहाँ दूसरी तरफ बिल्कुल एकदम पास में रोड है, लेकिन वो दिखेगा नहीं आपको कि रोड है इधर। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस होम स्टे, कि रोड के पास होते हुए भी पूरा जंगल लग रहा है एकदम। थोड़ा ऊपर चलते हैं ना, ठीक है ऊपर ही चल लेते हैं। तो ये तो आ गए ऑलमोस्ट यहाँ से, तो मतलब कि वापस यू टर्न काइंड ऑफ हो गया है। हम लोग वहाँ भी जा सकते हैं एक्चुअली, बट पता नहीं अभी बहुत बारिश हो रखा, डल डल सा होगा तो नहीं। भाई चलते हैं, ट्रेल तो यहीं चाय वाय पीते हैं, मन भी हो रहा चाय पीने का। हाँ शाम भी हो गई, वापस ही चल गए। अरे सुबह सुबह कहाँ चले गए भाई है? अरे भाई साहब ये इसका सही है, अपने को तो भाई आज ऑफिस का काम करना है थोड़ा, उसके बाद देखेंगे क्या प्लान है। हाँ भाई हो गया तेरा, मेरा भी ऑफिस का काम हो गया है, अब चलते हैं रनिंग वनिंग करके आते हैं। वेलकम फॉर रनिंग दिस ब्यूटीफुल वेदर। खतरनाक वेदर है भाई। इनके बारे में हम बताना भूल गए थे, ये हमारे पोकर भाई साहब हैं, इनका नाम पोकर है। ही इज़ अ सेंट बर्नर्ड ब्रीड, प्रिटी ह्यूज। बाय पोकर, बाय। चलो यार जाने का वक्त हो गया है, 2 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। इसमें हमने एक बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैक करा था, उसका वीडियो अलग से डालेंगे हम लोग, आप लोग देखिएगा।